चिल्लीज तो आपने बहुत ट्राई की होंगी, पर क्या कभी आपने ब्रेड की चिल्ली ट्राई की है? अगर नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ में ब्रेड की बहुत ही टेस्टी चिल्ली तैयार कर सकते हैं। वैसे तो चिल्ली बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बट इस चिल्ली की बात थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें अलग ही स्वाद है और बहुत ही सिंपली आप इसे तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड चिल्ली की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल है, सॉसेस में भी मैंने सिर्फ और सिर्फ टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चिल्ली की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज़ ली हुई हैं। आप अपने पसंद की कोई भी वेजीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, एक गाजर और एक शिमला मिर्च, इन दोनों चीज़ों को भी मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। इसके अलावा आप अपने पसंद की कोई भी वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। छौंक लगाने के लिए मैंने ली है यहाँ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ चॉप की हुई, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन दोनों चीज़ों को भी मैंने चॉप कर लिया है। अब हमें चिली के बॉल्स बनाने हैं, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बस इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम उसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली हुई है, इसके मैंने 8 स्लाइसेस लिए हैं। आप देख सकते हैं ये रेगुलर ब्रेड है। इसके अलावा मैंने 1 कप पत्ता गोभी ली हुई है। आप चाहें तो कोई भी वेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पसंद की। इसे मैंने बिल्कुल छोटे पीसेस में काट लिया है और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आप मैदा ले लें। अब इन तीनों चीज़ों से हमें बॉल्स तैयार करने हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को अच्छे से क्रश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड ली, इसे हम बिल्कुल छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे और इसे एक जार में डालकर क्रश कर लेंगे। इस तरीके से इसे तोड़ लें और सारे ब्रेड इसमें डाल दें। हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड तोड़कर डाल लिए हैं। अब इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है। बिल्कुल इसी टेक्सचर में हमें इसे रेडी करना है। इसका पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे एक बोल में निकाल दें। मैं यहाँ पर एक बोल ले रही हूँ, इसमें मैंने सबसे पहले डाला ये ब्रेड क्रम्स और अब इसमें मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो इसकी जगह पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है। अब इसमें गोभी डाल दें। अब इसमें मैं ऐड करूंगी स्वाद के अनुसार नमक और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इतनी चीज़ें ही हमें इसमें मिलानी है। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे और गूँथ कर इसका बिल्कुल टाइट आटा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। यहाँ मैं सिर्फ 2 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। आप पानी ज़्यादा ना डालें वरना ये गीला हो जाएगा और फिर इसके अच्छे बॉल्स नहीं बन पाएंगे। जो पानी बचा था वो मैं हटा रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से गूँथ कर इसका आटा रेडी कर लूँगी। मैंने इसका टाइट आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसके छोटे बॉल्स तैयार करने हैं हमें। आप अपने हिसाब से चिल्ली का साइज़ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटे बॉल्स तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से बॉल्स बनाकर रेडी कर लें। आप चाहें तो दोनों हथेलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बॉल्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे अलग रख दें और इसी तरीके से बाकी सारे बॉल्स भी रेडी कर लें। आटा गूंथते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें आप इसमें ज़्यादा पानी ना डालें। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये गीला हो जाएगा, फिर बॉल्स नहीं बन पाएंगे और चिल्ली टेस्टी नहीं बनेगी। सारे बॉल्स इसी तरीके से रेडी कर लें। मैंने यहाँ सारे बॉल्स बना लिए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने छोटे पीसेस में इसे तैयार किया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमें इसे डीप फ्राई करना है। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें बॉल्स डाल दें और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे आराम से पकने दें ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्लेम आप हाई बिल्कुल भी ना करें क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम करेंगे, इसमें हमने ब्रेड डाली है, वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। बाहर से ये पका हुआ लगेगा बट अंदर से वो कच्चा ही रह जाएगा। तो फ्लेम आप मीडियम टू लो रखें और उसे इसी फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इसे लगातार फ्लिप करें और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे। इसी तरीके से चिली रेडी हो जाएगी और हम बाकी सारी चिलीज़ भी ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही बाकी सारी चिलीज़ भी अच्छे से फ्राई कर लें। बहुत ही इजीली आप इसे फ्राई कर सकते हैं। चिली बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे हम निकाल कर अलग रख देंगे और अब हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। गैस ऑफ कर दें।
यहाँ पे मैंने चिली बना ली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी चिली बनकर रेडी हो गई। अब हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी तैयार करना बहुत सिंपल है। हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, इसमें ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें अदरक डाल दें। अदरक को हमें अच्छे से भूनना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से भून लेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। अदरक अच्छे से पक चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली। इन सारी चीज़ों को डालकर लगभग 30 से 40 सेकंड तक भून लें और उसके बाद इसमें जो हमने बाकी सारी चीज़ें काट कर रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। ये अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज हमें डालकर भूनना नहीं है ज़्यादा देर, बस हमें इसे सॉटे करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे और अब मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर। आप चाहें तो इसके अलावा जो भी आपकी मनपसंद की वेजीज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लें, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली। चिली बॉल्स डालकर इसे मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़ा चम्मच मसाला मैजिक। यहाँ मैंने होममेड मसाला मैजिक ऐड किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप मैगी का मसाला मैजिक ऐड कर लें। अब मैं यहाँ पे टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ 4 बड़ा चम्मच। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये सॉस ऐड करी है, अगर आपके पास में सोया सॉस है आप वो डाल सकते हैं, चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पानी, मैंने 2 बड़ा चम्मच पानी ऐड किया। मिक्स कर लें, अब आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं विदाउट ग्रेवी। चिली बिल्कुल रेडी है बट मुझे चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी, तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1/2 कप पानी इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हम ऐड करेंगे अपने चिली में। यहाँ मैं इसे डाल रही हूँ, डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें एक उबाल आने दें। एक उबाल आने के बाद हमारी चिली बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है, हमारी चिली बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। गैस ऑफ कर दें और इसे आप सर्व कर सकते हैं। अब इसे एक बोल में निकाल लें। अगर आपको विदाउट ग्रेवी वाली चिली पसंद है तो जब मैंने आपको बताया था आप उस वक्त गैस ऑफ कर दें, आपकी विदाउट ग्रेवी वाली चिली रेडी हो जाएगी। और अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें, ग्रेवी वाली चिली रेडी हो जाएगी। बहुत ही सिंपली ये बन जाएगी, आप एक बार इसे प्लीज़ ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल सिंपल डाले हुए हैं मैंने। अब आप चाहें तो इसमें सॉसेस में अपने मनपसंद की, अगर आपको सोया सॉस पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, बट इसे सिंपली बनाएं तो भी बहुत टेस्टी बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं, नाश्ता रेसिपीज़ और बहुत ही सारी क्विक रेसिपीज़ डाली हुई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लें। अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।